हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं। आज हम लोग छोटा सा प्लान बनाया बाहर घूम के आने का, लाइक चाय वाय पी के आएंगे। एंड कहाँ जाएंगे अभिषेक भाई बताएंगे, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अच्छा हाँ, हम लोग यही जो पूरी जाते समय जो टोल गेट होता है उसको क्रॉस करेंगे, एक ब्रिज आता है जी वेलकम टू पूरी लिखा रहता है, हम लोग उधर कुछ भी जो होगा उधर ही करके प्रोग्राम वापस घर आ जाएंगे। तो अभी जैसा मौसम चल रहा है एकदम बारिश का, तभी एकदम गीला है, इधर टेल टाइडी लगी हुई है, पूरा गंदे होने से अच्छा है ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, पास ही जाके आते हैं एंड एंजॉय करके आते हैं। नमन की अरे मेरे घर पे हो ना। हाँ तो ठीक है, वो ये ट्रेडमार्क है ना शेड पार्किंग लॉट और ये कावासाकी Z900, तो इसलिए यू आर वाचिंग एनजे व्लॉग्स एंड वेलकम टू भाई मेरा चैनल का कॉपी ले लिया। ये जो दो चीज आने वाली थी उसमें से एक चीज आ चुकी है, एक है ये टी शर्ट जिसपे लोगो लगा हुआ है आगे एंड पीछे बोथ साइड, एंड एक और चीज है वो अभी तक आई नहीं है, तो वो नेक्स्ट व्लॉग तक आगे तो वो उसमें बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये उसमें से एक चीज ये टी शर्ट थी वो भी कस्टम एनजे व्लॉग्स वाली, वो आ चुकी है। ओहो भाई कौन हो गई, बापरे कुछ सुन ही नहीं रहा है, इतनी लाउड है, कूल स्टार्ट हो रहा है ना भाई। बाइक कैसे गंदी हो रखी है एकदम, ये जो बारिश हो रही थी ना तो भाई यहाँ पर थी एक्चुअली, वो बारिश जब टेढ़ी हुई तो यहाँ पे पूरा पानी आके लगा एंड स्पॉट्स हो गए। कोई नहीं, कल इसको क्लीन करा लेंगे हम लोग। यहाँ इको भी कर रहा है ना साउंड। टेल टाइडी इतनी सुंदर लगती है, बाइक का लुक एकदम चेंज कर देती है, लेकिन बारिश के सीजन में बड़ा प्रॉब्लम देती है। तो अभी का प्लान जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में अभिषेक भाई ने बताया, जो टोल गेट के जस्ट बाद जो वेलकम टू पुरी लिखा रहता है वहाँ पे चाय की दुकानें हैं, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी, क्योंकि मौसम तो आप देख रहे हो, रोड तो आपने देख ही ली कैसी गीली हो रखी है ना, तभी ज़्यादा लॉन्ग राइड करके मज़ा नहीं है बाकी लोग। ओए 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 भाई एक्सीडेंट होते होते बजिया। बस एक्सीडेंट होते होते बचा है, देखा इसीलिए बोलता हूँ गाय लोग आए तो एकदम रुक जाना, क्योंकि ये लोग एंड वो भी एम्बुलेंस थी, अच्छा है कोई पेशेंट नहीं था अंदर। यहाँ पे जहाँ आना था एंड ये देखो पीछे लिखा है ना वेलकम टू पुरी, इसी की बात कर रहा था एंड ज्यादा आगे जाना नहीं है। वैसे भी अभी यहाँ रिसेंटली बारिश हुई है तो रास्ता एकदम गीला है। एक बार मैं पीछे दिखाना क्या ड्राइंग बना है, इसको पकड़ो बैक के पीछे दिखाना, कुछ खाना भी है कि नहीं? नहीं अब थोड़ा बहुत अभी बट निकल गया है, वो ड्रॉपलेट्स होगा। अच्छा घर जाके पहुँच देंगे, यस PPF काम आया। तो मैं बोल रहा था इन लोग को डेस्टिनेशन बता ही देते हैं कहाँ का, आज का नेक्स्ट व्लॉग अगर वहाँ जाके आएगा वाइजैक में तो लेट हो जाएगा आज के व्लॉग में। बोल तो दिया, बोल तो दिए। कौन आप? मैं कब बोला? अभी जस्ट बोले। नहीं बोला? हाँ बोल दिया। ओहो यस 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 यस, मैं लास्ट व्लॉग में भी ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन एडिटिंग के टाइम मेरे को पता ही नहीं चला, मैं बोल दिया एडिटिंग के टाइम उसको म्यूट कर दिया।
तो यस हम लोग जा रहे हैं वाइजैक, सैटरडे सुबह सुबह निकलेंगे 5:30। दो मुझे, मैं बता दूंगा डेस्टिनेशन। बोल नहीं नहीं हम वेट कर लेंगे, करो वेट अब तुम लोग। मैं भी तो बोला था, मैं 402 मेरे को, मैं बता देता हूँ। वैसे हम लोग वाइजैक जा रहे हैं, जितने भी कोई पैसा देता है हम दोनों को भी स्प्लिट होना। मेरे को 100 लोग सब्सक्राइबर्स में बोल देता, हर जगह बिजनेस, एवरीवेयर बिजनेस। हम लोग वाइजैक निकल रहे हैं सैटरडे सुबह 5:30 बजे। एंड अभिषेक भी हम लोग को नहीं ज्वाइन करेंगे, स्वागत भी नहीं ज्वाइन कर रहा है। नहीं मैं कर रहा हूँ मतलब, लेकिन हाफ तक मतलब, तो वो एक्चुअल में ज्वाइन कर रहे हो बट राइड में फुल कंप्लीट नहीं करूँ, इनकम्प्लीट। तो वो बरमपुर तक चलेंगे हम लोग के साथ, होमवर्क इनकम्प्लीट हो जाएगा मेरा। हाँ इनकम्प्लीट काम, बरमपुर तक जाएंगे हम लोग, जहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे बरमपुर में, वहाँ तक वो भी रुकेंगे। एंड उसके बाद आप कहाँ निकल जाओगे? सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं वो उनके ऊपर है वो कहाँ निकल जाएंगे। वैसे भी अगर वहाँ पे जाते तो बहुत लॉन्ग होने वाला, कितना अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर हो जाएगा, 285 वन में। हम लोग का 400 समथिंग किलोमीटर होगा, वाइजैक निकलेंगे, बड़ा मजा आएगा। कितना बजे? 5:30 तो निकल जाए, ठीक है सब लोग। हाँ हम लोग के ग्रुप में भी सब बोल ही रहे थे, 5:30 बोलोगे ना वो 6 हो ही जाएगा। हाँ वो भी सही बात है, 5:30 बोलने से 6 हो ही जाएगा भाई। 6 से ज्यादा रुकना ही नहीं है, 5:45 तक निकल ही जाएंगे। देखते हैं बरमपुर में रुकने का प्लान है, वहाँ पे रुकने का मतलब ब्रेकफास्ट करने का। संगम भाई को तो उधर से जल्दी आना पड़ेगा। हाँ तो बाबुन भाई वहाँ कटक से आए, नहीं वो क्या मेरे को बोले थे, वो भुवनेश्वर आ जाएंगे फ्राइडे रात को, भुवनेश्वर आ जाएंगे ताकि सैटरडे रुकेंगे, वो कहीं बोल रहे थे मेरे को याद नहीं है, सैटरडे सुबह ताकि निकल जाएं। चल वो एकदम फुल टू सेट है, आज से उनकी पैकिंग ओवर हो चुकी है। वो उनका फोटो हमने ग्रुप में भेजे थे, वो अभी से पैक करके रेडी, अगर अभी बोलोगे चलने के लिए वो है, बस छोड़ करेंगे और भागेंगे। सबसे ज्यादा वो एक्साइटेड है राइड के लिए, एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, लेकिन वो सबसे मतलब नेक्स्ट लेवल एक्साइटेड है। वाइजैक में सही वेदर होके रखा है अभी भाई, आवाज तो कुछ फोटोज में देखता हूँ भाई, पहाड़ है, पहाड़ के सामने बीच है। वाइजैक का सीन देखने लायक है, मैं 2 बार जा चुका हूँ डोमिनार पे, एंड बाय रोड जाना सबसे बेस्ट है। आप फ्लाइट से भी जाओगे, ट्रेन से आने में इतना मजा नहीं आता है, फ्लाइट जाता है ना, लेकिन बहुत महंगा रेट है भुवनेश्वर टू वाइजैक। इसे बेटर रोड में जाओ, ज्यादा सीनिक भी मिलेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट अच्छा है क्या होगी, लग रही है मतलब पूरा अरेंजमेंट में रख दिया। और 3 बाइक की कमी है, ऐसे 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 और ऐसे होता तो मेरे को याद है, हम लोग DOC में एक दिन का बर्थडे मना रहा था, हम लोग बाइक 1 2 3 4 5 ऐसे रखे थे, सबका हेडलाइट ऑन था, इधर केक रखा था, हैप्पी बर्थडे। कितना चाय? 3 भाई, चाय अच्छी थी, ओनली कॉफी भाई, कॉफी कॉफी के लिए तो ऑलवेज रेडी, टाटा कॉफी दे दें। चाय तो है नहीं, क्या कर सकते हैं, चाय पीने का मन नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। कितना की कॉफी है? 6 लाख। नहीं नहीं बहुत ज्यादा महंगा भाई, मेरा बजट नहीं होता, पता नहीं 5-10 रुपए होगी तो बोलो बोलो। हाँ हाँ ओके, यूज कूपन एनजे 99% ऑफ मिलेगा। अरे बहुत गर्म है, कहाँ रखे हाथ दिखा बहुत ज्यादा गर्म है। मैं क्या करूँ अभी, मैं एक और ले लेता हूँ, तो बाइक बाइक पर भी नहीं रख सकते, टाइम लेस चल रहा है। चलते हैं यहाँ से, बारिश हो रही थी, अभी भी हो ही रही है, ड्रिजलिंग तो अभी भी हो रही है। अभी कितना देर रुक सकते हैं, और बीच में एक टाइम 5-10 मिनट का टाइम था, बारिश एकदम रुक गई थी, लेकिन हम लोग फोटो वोटो निकालने में बिजी हो गए, एंड उसके बाद वापस बारिश स्टार्ट हो गई। चलो बाइक का फ्री का वॉश हो गया, चुके हम लोग घर वापस। यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा, यस तो घर वापस आ गए हैं, बीच में बारिश हो रही थी, थोड़ा भीग गए। आने के टाइम भीगने में मैंने बारिश में चलाने है, सच में बिल्कुल मजा नहीं आता, वेदर का मूड स्विंग्स हो रहा है, अभी बारिश धूप निकला तो फिर से बारिश, बीच में जब धूप इतना तेज निकला तो उसके बाद आगे बारिश रुक भी गया, अभी बारिश रुक गया। हम लोग जब आ रहे थे ना तब बारिश हो रहा था, तो भीग गए, लेकिन जाने के टाइम बारिश नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ उसमें बच गया। तो हेलो वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। बाकी प्रिपरेशन चालू है, कल फ्राइडे है तो कल बाइक का सारा काम कराना है, सैटरडे को निकलना भी है। तो CV से निकलेंगे जैसे पहले बताया था, 5:36 तक निकलेंगे, वाइजैक जा रहे हैं, वापस बता देता हूँ। विद दैट सेड गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। Tak, 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 tak.